हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे पास ये पल्सर 180 है और हम इसमें सॉकर बनाने वाले हैं और हम बताने वाले हैं कि सॉकर किस कारण लीक होते हैं। तो हम इसी वीडियो में बताएंगे कि आपके सॉकर किस कारण लीक होते हैं। तो फटाफट से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सॉकर पूरा लीक है और हम अभी दिखाएंगे कि आपको क्या क्या सॉकर खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या खोलना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको क्या क्या खोलना पड़ेगा, क्या क्या खोलना नहीं पड़ेगा। तो हम जाते हैं सबसे पहले ऊपर हैंडल की तरफ। हमको ये 6 नंबर का एलन की नट खोलना पड़ेगा और उसके बाद ये हैंडल वायर है, एक साइड का हैंडल, इसमें 2 पीस हैंडल लगे हुए होते हैं वो निकालना पड़ता है हमको एक, जिससे कि ऊपर जो हमारा एलन की वाला नट रहता है, एक ये 17 नंबर का नट खोलना पड़ता है हमने इसमें। और उसके बाद हमने मडगार्ड का जो भी है एक साइड से खोल लेंगे, अगर हम सिंगल सॉकर बना रहे तो सिंगल खोलेंगे। उसके बाद इसका अलॉय व्हील निकालेंगे और हम डिस्केट निकाल के साइड रख देंगे, उसके बाद पूरा सॉकर आ जाएगा हमारा बाहर। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट से शुरू करते हैं इसको खोलना। और हमको ये हैंडल बार, राइट साइड का हैंडल बार, इसका निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद 17 नंबर नट खोलेंगे हम। और उसके बाद तो सबसे पहले हम इसका अलाई खोल लेते हैं। अलाई खोलने के लिए हमको 22 नंबर का पाना लगेगा, रिंग पाना लगेगा, तो हम उसे खोल लेते हैं। फटाफट से जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैंने लगा दिया है और हम खोलते हैं इसको। तो दोस्तों, अगर वॉइस में कुछ गड़बड़ हो तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं ये अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी शॉप में ज़रा भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब मैं थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी हम फटाफट मटकार खोलते हैं। मटकार के अंदर 12 नंबर के नट रहते हैं, 2 बोल्ट लगे हुए खुल चुके हैं। अब 17 नंबर वाला खोल लें हम और उसके बाद मैं दिखाऊंगा हैंडल बार का। हैंडल बार का देखेंगे आप, हैंडल बार इसलिए खोलना पड़ता है क्योंकि सॉकर के ऊपर जो रहता है, वो हैंडल बार खोल रहा हूँ मैं, सॉकर के ऊपर एक एलंगी का नट रहता है, वो हमको खोलना पड़ता है। तो हम यहीं पर खोल लेते हैं उसको, जिससे हमें नीचे ला के दिक्कत ना हो। अगर इसके बाद बाग आग होती है तब तो दिक्कत नहीं होती, और हमारे पास नहीं है तो हमको सबसे वहीं खोल लेते हैं। अभी ये ऊपर वाला अलंगी नट टाइट करेंगे और उसको आसानी से खोल लेंगे। मैं दिखा देता हूँ फटाफट से आपको। ये देखिए, ये मैंने अलंगी लगा दी है और ये चटाक से खुल गया। इसको हल्का ढीला करने के बाद हम सीधे शट से इसको निकाल लेंगे सॉकर को बाहर। उसके बाद हम इसको खोलेंगे और सील दिखाएंगे आपको कि हमने सील डालनी है, ऑयल डालना है, ऑयल हम कौन सा डालना है, क्या कर रहे हैं। ये हमारा सॉकर आ जाता है अभी बाहर और उसके बाद हम इसकी करेंगे फिटिंग। ये देखिए, ये आ चुका है हमारा सॉकर बाहर। अब हम इसको करने जा रहे हैं क्लीन, सॉरी, इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसको करेंगे क्लीन। ये मैंने लंकी से खोल दिया है, इसका सॉकर ऊपर का जो प्लास्टिक का बुश रहता है वो निकाल दिया है। उसके बाद हमने स्प्रिंग निकाल लेना है। स्प्रिंग निकालने के बाद अंदर से पुलर लगा के, इसमें लंकी ही पुलर लगेगा। पुलर लगाने के बाद हम इसको खोल लेंगे। ये देखिए, मैं पुलर में बिठा रहा हूँ इसको। ये बैठ चुका है, अभी बैठ चुका है। बैठने के बाद अब हम इसको 6 की अलंकी से खोल लेंगे। फटाफट से सॉकर कर लेंगे पूरा बाहर। ये मैंने 6 की अलंकी लगा दी है और ये मेरा खुल चुका है। अब खोलने के बाद हम इसको फटाफट से सील निकालेंगे और शर्ट से क्लीन करके और इसको फिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये मैंने खोल दिया है, इसका ये पंप निकल चुका है बाहर। पंप को रखता हूँ मैं साइड और उसके बाद हम सील निकालते हैं इसमें। अब फटाफट से हम सील निकालेंगे इसकी। सील निकालने के बाद हम इसमें एक लॉक लगा रहता है, लॉक निकालेंगे। लॉक के बाद एक इसमें 2 बुश रहते हैं, एक तो रॉड में ही लगा रहता है, ये मैं सील निकाल रहा हूँ, और एक आपका इसके सील के नीचे बुश रहता है। सील के नीचे एक वार्सल और बुश रहता है, उसके ऊपर वार्सल रहेगा, ये मैं लॉक निकाल रहा हूँ। इसमें लॉक है, लॉक लगा रहता है। अगर आप ये लॉक नहीं निकालेंगे तो सील नहीं निकल पाएगी। और दोस्तों, इसका क्या कारण होता है लीक होने का, वो मैं एंड में बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ एंड तक वीडियो में, तभी आपको समझ आएगा कि मैं कैसे क्या बता रहा हूँ और क्या समझा रहा हूँ। ये देखिए, आप ऐसे खींचेंगे और सील आ गई बाहर, सील बुश वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसमें। साथ ही मैं दिखा देता हूँ आपको, पूरा खुल चुका है इसमें। हाँ, अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। ये देखिए, मैंने सारा कुछ क्लीन करने के लिए रखा हुआ है। अब हम इसको पेट्रोल से हल्का हल्का पूरा क्लीन करने के बाद हम इसको करेंगे फिटिंग। तो हम फटाफट से इसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, मैं फटाफट से रॉड धो लेता हूँ, उसके बाद हम लैग देंगे। ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, क्लीन करना क्या दिखाना, और अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट फिट करने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए कि मैं इसमें क्या क्या करता हूँ, क्या क्या लगाता हूँ और कैसे क्या करता हूँ। और वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं बताने वाला हूँ कि यह किस क्या कारण होता है जो ये लीक हो जाता है सॉकर। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, देखते रहिए। तो मैंने ये लगा दिया है। अब इसके ऊपर एक भोगली लगाएंगे हम इसमें, कि हमारा 6 नंबर का लंकी नट लग जाता है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हल्का हल्का पेट्रोल होगा। तो इसमें ये रही इसकी भोगली, मैंने ऊपर लगा दी है। उसके बाद हम लैग बिठा देंगे। हम सील इसमें बाद में लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास पुलर है, हम पुलर से बिठाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी
तो ये देखिए मैंने बिठा दिया है, हम चौकर ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं सील बिठाना बताऊंगा कि हम किस प्रकार बिठाते हैं। तो चलिए अभी मैं फटाफट से 6 नंबर की अलंकी से इसको लगा देता हूँ, और उसके बाद हम इसमें सील बिठाएंगे, लॉक बिठाएंगे, ऑयल वगैरह डाल के चौकर करेंगे कंप्लीट। तो देखते रहिए आप, ये मैंने 6 नंबर का अलंकी से इसको मैं कर रहा हूँ टाइट। तो ये कम्प्लीट ही टाइट हो ही चुका है, मैं थोड़ा देखता हूँ इसको, और थोड़ा ये हो चुका है कंप्लीट। और अभी मैंने इसमें क्या करना है, लॉक बिठा ये, हाँ सॉरी, सबसे पहले हमने बुश बिठा देना, जो मैंने अभी आपको बुश दिखाया था, ये बुश बिठाना है। इसके ऊपर से एक वार्सल आएगी, यह है इसकी चौड़ी वाली वार्सल, ये हमने वार्सल भी बिठानी पड़ती है सील से पहले। ये दोनों आइटम लगा लेने होते हैं हमने 180 के अंदर। और अभी मैं, ये पुलर है हमारे पास, ये पुलर हमने यहाँ लगाना है, सॉकर सॉकर बुश आराम से बैठ जाएगा, जो बुश मैंने दिखाया था आपको बैठ चुका है। और अभी मैं इसमें वो करूँगा सील, ये रही हमारी सील, बजाज की ओरिजिनल सील है, हम इसको डालेंगे इसमें सेट करेंगे, और देखते हैं कि भाई लीकेज रुकती है या नहीं रुकती है, क्या होता है। वैसे अभी तक मैंने इतने सारे सॉकर बनाए, किसी में कोई शिकायत नहीं आई है, तो मैंने कहा चलिए एक टॉपिक यही चूज़ कर लेते हैं और इसी में वीडियो बना लेते हैं। तो ये रहा मेरा पुलर, इससे मैं बिठा देता हूँ सील, थोड़ा बचा है बस ये, हाँ कंप्लीट सील हमारी बैठ चुकी है कंप्लीट। अब मैंने इसमें लगाना है लॉक, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको इसीलिए कि आपको कोई डाउट ना हो कि इसने, मैंने हाँ वीडियो पॉज किया था क्योंकि सील बिठाने में थोड़ा वो लग जाता है, ठोकना पड़ता है, तब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इस चक्कर से मैंने पॉज कर करके बनाया। लॉक बैठ चुका है हमारा, अब बचा ये स्प्रिंग। स्प्रिंग आपको ये जो ज़्यादा घने स्प्रिंग रहते हैं वो नीचे साइड लगाना पड़ता है, जो बिगड़े हुए रहते हैं ऊपर लगाना पड़ता है। ये हमारे पास जीरो ऑयल्स का ऑयल है, इसका शॉकर ऑयल, तो हमको ये सारा डाल देना है इसमें, सारा ही आ जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से इसको ऑयल भी डाल देते हैं, और फिर कंप्लीट करके सस्पेंशन देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो ये मेरा ऑयल पड़ चुका है, और अभी हमने ये पाइप लगा देना है, इसका जो बुश है ये लगा देना है, इसको लगाने के बाद हमने एलिंगी नट टाइट कर देना है। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा वीक हो गया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा कट कर दिया है वीडियो को। तो अब मैं स्पेशली इसको कर रहा हूँ फिट, पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो गया है। और वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर पसंद आएगा तो करना, ना पसंद आएगा तो आपकी मर्ज़ी। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा मतलब बता देना आप। मैं इसको कंप्लीट टाइट कर लेता हूँ, फिर ऊपर से हम अलंकी वाला नट टाइट कर लेंगे। लास्ट पोर्शन मेरा वही रहेगा कि ये क्या कारण होता है आपका सॉकर लीक होना। तो चलिए मैं फटाफट से इसको टाइट कर लेता हूँ, टाइट हो चुका है, उसके बाद हम हैंडल बार वगैरह सब फिट कर देंगे। थोड़ा मैं पॉज कर करके बताऊँगा, क्योंकि ये तो नॉर्मली है, हैंडल फिट करना, ये फिट करना, सो फिट करना, सब नॉर्मल है, हैंडल मैंने फिट करी। दोस्तों अब बात करते हैं हम सॉकर लीक क्यों होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसमें गैस बन जाती है, पहले कि आपने कैलिवर वगैरह देखी होंगी, उनमें एक 10 नंबर का नट दिया होता है सॉकर के नीचे, तो उनसे गैस निकलती थी, तो उनके सॉकर कभी लीक नहीं होते थे, बहुत मुश्किल लीक होते थे, तो इसलिए इसके लीक हो जाते हैं, इसमें गैस बन जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें वीडियो को। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।